السلام عليكم आप
बुजुर्गों ने बयान पाया नमाज आखिरी नमाज समझ के हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के नहीं है कारण आपके नमाज में खुशु पैदा होगा या कारी नहीं होगी साथ आपका सजदा होगा और उस नमाज वो लज्जत आप तसव्वुर नहीं कर सकते आखिरी जब ये आखिरी जो है इसमें बहुत माना है लोग कहते हैं आखिरी दीदार करने पे मौका मिल आखिरी सलाम करने पे मौका मिल ऑपरेशन करने जा रहे हैं जब हार्ट पॉप होने वाला आखिरी मुलाकात आए ना आए वो मुलाकात अलग अलग रोजाना की मुलाकात अलग अलग जब आप ये समझते हम ये समझते हैं कि आखिरी नमाज उस नमाज के दारों की याद आता है नमाज को हर एक अमल अमल समझ नहीं है कि कल अज़्म नूर में हम हमारी शिक्षक कल कल हम जिंदा रहेंगे गारंटी नहीं रहेंगे तो आखिर में जिंदा रहेंगे मौका मिला तब इसलिए सब सज्जत करके आया है ताला कि आप लोग माशाल्लाह अल्लाह के लोग कटर पद सुन सही लगता है जब भी तंत्र मात इलाद मैं तो लगता जलसा ही हो रहा है आप मुझसे शिकायत नहीं है बहुत मोहब्बत से आप और बहुत अच्छा लगता है आप सामने कुछ बयान कर देते हैं आप उमर फारूक साहब ये लोग आपको कम नजर आ रहे हैं लेकिन ये लोग उस रंग में गुफ्तगू सुनते हैं नाद ये पढ़ने वाले का शेर बढ़ता रहता है करीब का टाइम भी बढ़ता रहता है आज तक कोई मुकर्रर यहाँ नहीं आया जो मुकर्रर टाइम पे खत्म कर टाइम बढ़ी जाता है इस तरह मोहब्बत से सुनते हैं तकरीर में इतनी तकलीफ कर सकता हूँ जब कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म और अभी हमारी माँ कहे कि हम ना चाहिए कर लें माँ और औलाद का जो रिश्ता है वो हर औलाद को सब सब का जो यतीम हुआ कि माँ बाप भी जिंदा है उनको ये सब समझ में नहीं आएगा और हाजिर आ गया तो मैं चाचा जो कुछ बातें आपके गोश गुजार कर दो अल्लाह ताला आप सबों की हाजिरी को फरमाए इसकी शादी हो रही अल्लाह ताला उसको पाई से सरकर बना दे और मैं गमों से चूर हूँ आप लोग तो गम में नहीं डूबे हुए आप आवाज पर न चाचे पर होना न चाचे ठीक है आप मुझसे मोहब्बत करते मेरे गम में शामिल आपका मोहब्बत है आप दूसरी जगह पे हमारी आजियत करने नहीं आए बाप फिर इबादत करने के लिए मोहब्बत से न कहीं ताला सर कबूल फरमाए मजबूर कबूल फरमाए मैंने पहले इस आयत के करीबा दावत दिया लकद काना
رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لاجواب بنایا ہمارے دم کے حیات اے عمل یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں سرکار لاجواب میدان جنگ نہ ہو شادی کیا کرتا ہو جنازہ کا مسئلہ ہو پرورش کا مسئلہ ہو جدائی پڑوسی کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو عبادت کا مسئلہ ہو جنازہ کا مسئلہ ہو دین کا مسئلہ ہو قرضدار کا مسئلہ ہو سرکار کل سب کر کے دکھا سب کر کے آج حالت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دا سائز ہر ایک طرح ہے اس کے ساتھ کیا سوچ سرکار کو بھی بتا دا ابھی طرف 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 کے پاس کوئی دار اور فرق نہ ہو نہیں ہو سرکار یہ نہیں بتاؤ پاس اور قرضہ لے کے اسے دے دے اور قرضہ لے کے بھی اس کو دے دے ایک تو یہ عزیز بارگاہ سے بڑی بارگاہی ہے جہاں اگر سہارا نہ ملے پلس پت پت پتا رہے ہیں کبھی کبھی کا ہاتھ پر رکھ پہلے بھی ہاتھ سے اوپر دینے بننا نہ کر دینے والے بننا سخی بننا سخ ہاتھ کے والے ہاتھ اوپر والا ہاتھ آلہ بہتر جو ہوگا پہلی بھی آپ دیتے گا آپ سرکار نے پریکٹیکل طور پر کوئی آیا آیا قرض دے کے بھی سرکار مرتبہ تو ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مرض ہے آگ گیا کچھ نہیں انہوں نے اپنی اس چادر کو چادر بازار بیچ دو اور اس چادر کو دیکھا کہ دیکھتے رہ گیا مدینے میں ایسی چادر ایسی چادر سمجھ بجا چادر کچھ دیا چادر آگا مولا علی چادر پہ خرید دوقات چادر بھی دو نظرانہ بھی دو میری طرف یہ پورا گھرانہ جو ہے سیدہ کی شادی کیسے ہوئی شادی کیسے ہوئی ہر صحابی اکثر صحابی کی تمنا رکھتے تھے میں کبھی داماد فاطمہ زہرا سے میری شادی غلام سال سال کہتے ہیں نہ پڑے گا اللہ تعالیٰ
अब अली शख्सियतों ने चाहा सुल्तान के घर के लिए रिश्तेदारी हो जाए। पति ने खामोशी जो है इस बात दलील
मैं राजा था। उसकी खामोशी जो है रजामंदी पे दलालत करती है। जी सज्जदा ने खामोशी का इजहार किया, अब मारे शर्म के बाप के सामने कैसे बोलेंगे मेरा निकाह करवाइए। खामोशी ने इशारा करके मैं राजा जाए फातिमा अली। उसके बाद पूछते हैं शादी करोगे क्या है तुम्हारे पास। मैं यहाँ पे रुक के कहना चाहता हूँ राज अजीब मामला लड़की वाले से क्या है तुम्हारे पास। वहां नबी बेटी वाला ये पूछ रहा है फरमाने का मकसद शादी करने मकान जरूरी बनाओगे कहाँ रखोगे पहली शर्त। फिर नानो नफ्ता आना नान मन रोटी नफ्ता खर्चा उसको लाओ दे 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 मातर आए सुविधा को पूरी करोगे आना है कपड़ा है वगैरह ना कर लोगे तब चलो तो बहू कर दे रही घर पर मिलोगे वो घर पर दोगे और बाप जो ताला ना चला जाता बाप जो सारा ना चला जाता। आज भी सऊदी अरब का माहौल है आज लड़का इतने ऐसे से लड़के हैं इसकी शादी भी नहीं हो रही है बुढ़ा हो रहा है क्यों क्यों हर का पैसे उसके पास अपना अपना मकान हो रहा है वहाँ बाप के घर में नहीं रहता है। शादी हुई पहले लड़का का अपना मकान हो रहा है पहले ढूंढ लेता लड़के वाला मकान कहाँ है कमाते क्या हो क्या क्या करते हो फिर दैन मार का पैसा उसी वक्त चाहिए नुकसान उसी वक्त इतने अभी अभी हमारे के पास आता है वो गद गद बड़ी डिमांड मार मार सिखा देता है 5 लाख 10 लाख लड़का के पास घर घर करता हूँ दैन मार मार आदि खबर उसके पास 5-5 बेटियां करोड़ लड़का को देना पड़ता है यहाँ भी तत डॉक्टर मास्टर जी सर पश्चिम दादा सर बंद 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 में रहते हैं भाई शान ही तैयार लड़का ने
दिया नहीं, लड़के के माफ नहीं, तब क्या होगा? मां मां बैठे थे, अगर किसी लड़के ने ये नियत कर दिया तो इतना थोड़ी है। हां कहता है निकाह होगा, पूछिए उसका निकाह होगा कि, और दिल में इरादा है कि देंगे, और दान दान कर लिया, दिया नहीं, रहने दो हल्का सा सा लड़का के पास घर का पैसा या और बात अलग है, मेरे मुतलक का इंतजाम होता है, बल्ब 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 बल्
अंधेरे में वो बीवी फातिमा ज़हरा जो मैदान महशर में वो जन्नत की तरफ रवा होगी। अल्लाह नजरों को नीची करो, क्यों मेरे महबूब फातिमा कुल सिराज को पार करने वाले वो बीवी फातिमा ज़हरा का लड़का नबी ने ऐसी प्यारी बेटी का निकाह क्या देख ऐसा अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह बारगाह में कितना मकबूल है, अली का घर यहां जैसा हो, अली के पास वालों पर न हो, अल्लाह की बारगाह में मकाम अली क्या है, शान अली क्या है, वो नबी से अच्छा कोई नहीं जानता है। नबी समझ गया मेरी बेटी फातिमा के लिए इससे अच्छा शौहर बन सकता और अली के लिए इससे अच्छी बीवी नहीं हो सकता। तो बीवी फातिमा ज़हरा की बात एक वली है उनका नाम है शाह शुजा किरमानी। एक ही बेटी किरमान का बादशाह जो है पैगाम भेजे अल्लाह के वली मेरे बेटा से अपनी बेटी का निकाह कर, बराबर वालों से ऊपर जाओ उसमें भी खराबी है उसमें भी खराब ऊपर वाले आओगे तो हल्का में लेंगे और अपने से नीचे वाले आओगे ठंडा आएगा तो भी नीचे कर टाटा में आदमी दारोगा वो तो तरीब लाचार कर कर एक तने कपड़ा भी तप खाना भी तप तराजू सब कुछ वो आई कर 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 तोड़ डाला। अरे भाई कपड़ा होता है ना खाने में तो सब बराबर बराबर में भलाई इसी में अपने बराबर में ईमान के बादशाह ने तकाम दे जाई बादशाह मेरी मेरी पीछे कर जाए या तो मेरी गुरबत का मजाक उड़ाए जाए या तो बहुत 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 वक्त है आया एक से एक मिनट लगा देगा नहीं लगा देगा अरे मुल्क का बादशाह खुद मार चढ़ चढ़ाए महीना काम हो जाए तो हो रहा बादशाह से तो बगावत भी नहीं कर सकते हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस दफा में अंदर जाएंगे पता भी नहीं मिलेगा तभी तो मौका दो होगा अब तक वो काफिल थे इतना सुना दामाद ढूंढने लगे खुद से अब दामाद ढूंढने लगे कहां बस 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 अब लोग तो हैरत नहीं हुआ लगता क्यों दामाद ढूंढते हैं बस बस बाहर ना ले आप लोग कहां हैं आप लोग मस्जिद में दामाद ढूंढ रहे हैं इतनी बड़ी बात है समझ रहे हैं यहां से तो तकलीफ खत्म हो जाए तो बेहतर मस्जिद में दामाद ढूंढ बाप है ये बाप है हम लोग कहां कुछ टाइम से क्या बहस है ये तो नियत तो देखिए आश कर बड़ा 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 तक पड़ 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 जाते थे सबसे पहले निकलते थे साफ पहले बस बैठते थे और सब साफ तीन तक ये थे नमाज पढ़ लेते थे बैठ बैठ देखते थे नमाज पढ़ा रहे हैं एक एक ऐसा नजर आया
को लगा हर आदाब मस्जिद में फैसला कि मेरा दामाद हमने आया है कि मेरा दामाद दामाद हमने हमने आज आई दादा दामाद ये नमाजी है अब उस मस्जिद में कहते हैं राव क्या नाम है नाना कहाँ के रहने वाले मानी शाह पहला कुसर मस्जिद हो कह दिया नौजवान गरीब हूँ शादी करोगे करेगा कौन मैं लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कौन अपनी बेटी से मेरी शादी क्या अल्लाह
जो भी लोग गए जो भी गए हैं अल्लाह का फजल है और खुश होना चाहिए। चलो वो भी गया है इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा। तो जब जाइएगा हज करने या उमरा करने तो मदीना शरीफ से जाइएगा, देखिएगा सरकार का तो हर था हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहां सरकार का मजार पाक आज है वहीं पे पर्दा फरमाया तो वहीं पे मजार है और वहीं पे बिल्कुल 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 तो सरकार भी गए अपनी बेटी के घर रुखसती के बाद खत्म कर दो। मैं असल में उस गुड में नहीं बोल पा रहा हूँ आप आकाश तो मैं वही कर रहा हूँ लेकिन मेरा लहजा लहजा सरकार आप जाए तुर्की चटाई की सरकार सब सब जानते थे मान रखिएगा हो चुका है उसको भी जानते थे हो रहा है उसको भी जो होने वाला है उसको भी जानते यही इसी अक्के को आला हजरत उजागर किया कुरान में है हदीस में आला उजागर कर बदअकीदों को प्रॉब्लम जरूरी है कि हम आशिक रसूल हैं तो गुस्ताखी रसूल से दूर रहे वरना समझ लीजिए गेहूं के साथ गुल भी पिसाए ये सब मिजाज छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो भी कलमा पढ़ता है ये भी कलमा पढ़ता है गांधी तो कुरान पढ़ रहा है हो गया मुसलमान कलमा पढ़ना कमाल नहीं है नबी से सच्ची मोहब्बत मोहब्बत रसूल का ही जाम आला हजरत मोहब्बत कीजिए आला हजरत सरकार से तो लोग आला हजरत के नाम से जिनको प्रॉब्लम हो उससे आपको प्रॉब्लम हो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए क्या है उसकी हैसियत वो क्या काम करेगा क्या एहसान है आला हजरत से बड़ा एहसान नहीं हो सकता है जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत अकीदे की हिफाजत किया ठीक है आप हमारे काम आएंगे मेरा या तो पैसा बढ़ेगा या पैसा बचेगा यही ना होगा लेकिन ईमान की हिफाजत आला हजरत सरकार अगर वो ना हक्का हक से पर्दा को हटाए होते उसी में रहते धर्म है आला सब जानते के चेहरे को देख और जुमला फरमाते हैं उसको आते हैं पीठ अली का घर देख लो पहली बार बार ना अली का घर देख रही हो आजूदा खातून का वो खानदाने कुरैश में जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था हमने उनकी साथ हमारा निकाह उसके बाद ये जो मैं कहने वाला हूँ बाप बता दे अली से वो कलाम ना करना
अली से वो कलाम ना करना, वो बात ना करना कि उनको कोई जानते इसका नतीजा क्या होगा? बेटे पुत्र नहीं हो सकते, सानी भी हो जाए, कनीज भी हो जाए, राबिया बसरिया की तरह नहीं है कोई, सरकार महबूबे इलाही की अम्मी की तरह नहीं है कोई, तो बहुत बड़ी बात है। इसका नतीजा जानते क्या हुआ? सीरत तमाम पूरी लाइफ खत्म होने वाली थी ताहिरी। मौला अली हमेशा ये सोचते रहे, काश फातिमा मुझसे कभी कोई फरमाइश करती। कभी आपने फरमाइश नहीं, कभी नहीं फरमाइश। मौला अली की खुद ख्वाहिश हुई, काश के फातिमा मुझसे कभी फरमाइश जी, तब जाकर बोले थे फातिमा मेरी ख्वाहिश है कि तू कभी कोई फरमाइश कर। समझ रहे हो? ये है हमारी और आपकी बेटियों का क्या अलग टॉपिक हो जाएगा यहाँ से अलग हुआ जब फरमाइश की बात थी। क्या क्या हुआ? वो नई जगह गई ये देखा हजरत शाह शुजा की इमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी शाह गई शौहर देखा कि कोना में पानी का घड़ा है, घड़ा के ऊपर ढक्कन, ढक्कन के ऊपर एक ढक्कन, बाकी सोफा पर है नहीं। शॉवर से पूछी इसमें क्या है? अब पानी ऊपर में क्या है? ढक्कन पाना कि उसके पर्दा क्या है? ऊपर जो ढक्कन है बुला कहता है एक ही रोटी थी मेरे पास, आधी खा लिया हूँ और आधी कल के लिए बचा जा, उसको मैं छुपा के इतना सुनना था। आतूर खास चेहरे का जोग्राफिया बदल ताजे सुसु ये जय जय और मैं मुझे अपने बाप के पास, मुझे मेरे बाप के पास ले चलिए। प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए। हाँ मुझे मेरे बाप के पास ले जाइए। क्या वो तो बताओ मैं आप नहीं रह सकता, मैं आप यहाँ नहीं रह सकता। बोला तो पहले से कन्फर्म था, बाप को भी बोला था जैसे फिर बोला मैं जानता था अगर कोई कोई आएगा नहीं, पर अगर करवा भी दिया तो यही होना है, मेरे पास है नहीं, रहोगी कैसे? आपके मालों मालों असबाब की वजह से, मालों दर की वजह से इनकार नहीं कर रहे, वजह कुछ और है। मैं आप कहूंगी मेरे बाप के पास क्यों? पूछूं बाप से मेरी खता क्या था, मेरा जुर्म क्या था, मेरा कसूर क्या था, ऐसे आदमी से आपने मेरा निकाह किया? खुदा पे भरोसा, इससे तवक्कुल नहीं है खुदा पे। आज खाता है कल के लिए रखता है, जबकि मोमिन को ऐसा भरोसा रखना चाहिए कि जो खुदा आज खिलाया है वही खुदा कल खिलाएगा। इसे खुदा पे भरोसा नहीं वो मेरा शौहर कैसे? मैं यही अपने पापा से पूछूंगी कि मेरी तरबियत में आपने कमी किया था या मुझ में क्या कसूर था? आपने ऐसे मर्द से मेरा निकाह कर दिया जिसको खुदा पे भरोसा नहीं, मैं ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकता। अब उसका दिमाग समझ आ गया कि मैंने क्या खता किया है। अब अकबर का एक एक सबक हमने पढ़ा लिया था। मत जाओ बाप, बोलो क्या चाचा हमारी शर्शर माल 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 उस मर्द कलंदर को ये समझ में बात आती थी मेरी बीवी बली की बेटी है। समझ में बात
तो नहीं है,
रातों में गश्त बड़ा मशहूर है। आप लोग सामने मशहूर नहीं है, आप लोग वो है Thank you.
अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तमाम मोमिनों के अमीर है, नबी के खलीफा है, उस शान के मालिक हैं, इसे दुनियावी तौर पे कह लीजिए बादशाह है। तो बुलाते बुलाओ आई, फरमाते हैं हमारे पास एक बेटी है, और मेरे पास बेटा है, शादी करोगी? रसूल से बोलो भाई सुभान अल्लाह, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से करोगी? आप मऊत हो गई, ऐसा लगे सांस बड़ी बात, बादशाह बहू बने, अमीरुल मोमिनीन की बहू बने, खलीफा रसूल की बहू बने। अगर सोचे हुजूर शादी हो गई, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, शादी हो गई, क्या देखा? आखिर उन्होंने क्या देखा कि बेवा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दिया? क्या देखा? हुस्न देखा, कमाल, 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 बस एक ही चीज देखा, लड़की जैसी भी है खुदा तर्स है, खशियत रब्बानी से दर्जा भरा नाम है, अल्लाह से डरने वाली है, डरते वही लोग हैं जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो नेक होते हैं, तकवाशार होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाला हो, डरने वाली हो, वो आम आदमी नहीं है, उसका मकाम यहाँ भी बुलंद होगा वहां भी। जानते हैं ये बहू कैसे हुई? इसी खातून से दूध वाली गुड़िया की बहू बनाए, इसी खातून के नस्ल से खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा। अपना कुछ समझा? वो लोग बुनियाद थे, हम लोग शादी कर 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 ना, तो पूछ लीजिए लड़का नमाज एक एक लड़का दीदार है कि नहीं, लड़का नशा तो नहीं करता है, लड़का वहां भी के साथ नहीं रहता है, लड़का लड़का तो नहीं करता है, लड़की के बारे में पूछिए, लड़की नमाज पढ़ती है, इस्लाम की ये चीज, माँ बाप अगर अच्छे होंगे औलाद अच्छी होगी। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि नमूने हयात है, हर जिंदगी के बोर्ड पे दीजिएगा तो ये कह दीजिएगा बेटी ताक की जीनत बनाने के लिए नहीं दे रहा हो, रोजाना पढ़ना, आपकी जिम्मेदारी है, कहिएगा बेटी रोजाना कुरान पढ़ना, ताक काम रहे, पंद्रह मिनट सिर्फ 15 मिनट कुरान तिलावत लगा दा, कुरान तिलावत करो, कुरान हरी हरी पाठ पाठ पाठ, अगर कोई थोड़ी गलती भी हो जाएगी दूसरी नसीहत कीजिएगा कि बेटी नमाज मत छोड़, नमाज मत छोड़ना, सास गुस्सा हो, ससुर गुस्सा हो, कोई भी हो नमाज मत छोड़, क्योंकि सास ससुर कब तुम्हारा साथ छोड़ दे कोई ठिकाना नहीं, और नमाज वो है जो कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। बाप की जिम्मेदारी अपनी बेटी को समझाए, ये कह दीजिएगा बेटी मैं यहाँ से जब रुखसत होने लगे तो आप फी अमानिल्लाह, ये बाप कह दे माँ कह दे फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह बेटी घर के लिए तेरे पास, ये कह के रुखसत कीजिए,
बेटी की सजा जाते कि इस तरह घूंघट में रहो, तन घूंघट पहनाए, एक एक बेटी इतना होश में रहता तब तक आना घर पहले दाहिना कदम रखना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेना, नई जिंदगी का आगाज हो, न्यू लाइफ स्टार्ट है, यहां से नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, दर्द का आगाज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से हो तो इंशाल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी गुफ्तगु में जिस किस्म की गलतियां हो गई हो मेरे परिवार के मैं तौबा इस्तिगफार करता हूं। बुलंद आवाज से पढ़ना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ذنبي واتوب اليه कलमा शरीफ आवाज से।